हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूरोपीय आधुनिक चित्रकला के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे से 101 क्वेश्चन तक, 101 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज भी हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है और सभी में नंबरिंग भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हमारी क्लास कितने टाइम हो रही है, 7 बजे। कितने टाइम? 7 बजे। अब डेली हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, हम टाइमिंग बता देते हैं एक बार। सुबह की टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है, और शाम की जो टाइमिंग है वो है 7 बजे, ठीक है। तो ये दो टाइम हमारी क्लास होती है, तो सभी को जोड़ लिया करिए इतने टाइम, और आप भी ऑनलाइन आया करिए, ठीक है। कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए क्या होता है पहला आंसर। बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है, बताइए। ये बर्थ ऑफ वीनस लिखा है, ये किसकी कृति है? पेत्तिशेल्ली, फ्राय एंजिल्को, फिलिप्पो लिप्पी, मसाचियो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास किया करिए, ठीक है। करिए कमेंट फटाक से। आप लोगों की जो रिप्लाई है ना, वो पता है हमें बहुत ज्यादा निराश कर देती है। या तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और करते हैं तो पता नहीं। चलिए ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या है। तो क्या है आंसर इसका? करेक्ट आंसर हो जाता है बोत्तिशेल्ली, ठीक है। तो बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो किसकी है? ये बोत्तिशेल्ली की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर फिर आता है, पार्थिनन मंदिर कहाँ पर है? मिस्र है, मिस्र में, भारत, यूनान, इटली। तो बताइए पार्थिनन मंदिर कहाँ पर है? ये है यूनान में। कहाँ पर है? यूनान में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के जैसे मटकते मटकते बिल्कुल धीरे 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 धीरे। तो बताइए मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 1, 2, 3, 4, बताइए मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? कितने आयाम हैं? पिछले का आंसर क्या था? बताया तो था आंसर, यूनान में। पार्थिनन मंदिर कहाँ है? यूनान में है, ठीक है। चलिए तो मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो 3 आयाम हैं। कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? रैफेल, नंदलाल बोस, यामिनी राय, लियोनार्डो द विंची। किसने? शैलखंडों की कुमारी, बताइए। तो क्या होता है करेक्ट आंसर? लियोनार्डो द विंची ने क्या बनाया है? शैलखंडों की कुमारी, ठीक है। समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन? आप लोग कमेंट में बताया करिए कि मैम क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, तीखे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं, ठीक है। चलिए बताइए आंसर, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया था? भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, यूनानी। क्या होगा आंसर? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा है, क्या होता है? हाँ, शाबाश, क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया है, किन कलाकारों ने? यूनानी कलाकारों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे फंसने वाले क्वेश्चन हैं, हम बिल्कुल से ना हलवा लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हलवा भी बहुत कम हो गया, अमृत समझ लीजिए, बस अमृत है ये आपके लिए, पीजिए अमृत और अमर हो जाइए सदा के लिए, ठीक है। तो
तो द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जियोर्जियन, वन गॉग की, प्रकाशो की, वॉकर की, क्या है? करिए होशियार बच्चों, करिए करिए कमेंट करिए। चलिए आंसर हो जाता है जियोर्जियन की, क्या है? द टेम्पेस्ट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किसने किया है? लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किसने किया है? कुर्बे, रैम्बरा, मंजीत बाबा, ड्यूरर, क्या होगा? करिए कमेंट। तो रैम्बरा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, टर्नर, माइकल एंजिलो, बताइए किसकी? तो क्या है ऑप्शन डी, माइकल एंजिलो। कल एक लड़की का कमेंट आ रहा था, वो बहुत अच्छे, मतलब लगभग उसके सभी सही जा रहे थे। मैंने फिर बाद में जब वीडियो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने बाद में देखा था, वो पता नहीं क्या नाम था, शालिनी करके ऐसे कुछ नाम था उस लड़की का। लगभग सारे क्वेश्चन उसके सही जा रहे थे, बाद में जुड़ी थी शायद, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन जा रहे थे। तो कोशिश किया करिए कि आपके गलत नहीं हो, ठीक है? इतनी अच्छी तैयारी अपने आप में रखिए कि गलत नहीं हो आपके क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, तो क्या होता है स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? माइकल एंजिलो की। तो मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है? ये तो गलत नहीं हो सकता भाई, ये तो गलत नहीं हो सकता है। किसकी है? तो ये है लियोनार्डो दा विंसी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोंत दा गॉम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति, रेखांकना, क्या है? फोंत दा गॉम, तो क्या है? ऑप्शन बी सही होता है, ये क्या है? गुफाएं हैं। फोंत दा गॉम जो है ये गुफाएं हैं, और ये कहाँ पर स्थित हैं? ये फ्रांस में स्थित हैं। फोंत दा गॉम क्या है? गुफाएं हैं, कहाँ पर हैं? फ्रांस में स्थित हैं। और इस गुफा की खोज कब हुई थी? 1901 ईस्वी में, ठीक है? और यहाँ पर क्या है चित्रित है? यहाँ पर अधिकांश महिष, मतलब बाइसन ही चित्रित हुए हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? ड्यूरर, सिसरो, हैगल, एमर्सन, क्या है? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन किसने लिखा है, बताइए क्या होता है आंसर करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरर ने लिखा है। क्या लिखा है? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन, ठीक है? चलिए फिर आता है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार कहा जाता है? टिशियन को, आंद्रिया मांतेना को, ड्यूरर को, तिंतोरेतो को, क्या होता है आंसर, बताइए? तो किसको? ऑप्शन नंबर ए, टिशियन को, ठीक है? चलिए, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर जो चित्र है उसको किस अनुपात में रखा जाता है? स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3, 6:7, 1:1, 4:6, क्या होता है करेक्ट आंसर, बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2:3, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला, आरंभिक ईसाई कला, गोथिक कला, शास्त्रीय कला, बताइए। रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी सभी को पता है, तो ये होती है किसमें? बाइजेंटाइन कला में, ठीक है? कांच के रंगीन टुकड़ों की। अब ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइजेंटाइन कला की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से होती है? ये रोम से उत्पत्ति हुई है, ठीक है? और बाइजेंटाइन जो चीन यूनानी साम्राज्य, अरे यार ये रुकिए, अब समझिए क्या है, बाइजेंटाइन का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ है? रोम में हुआ है। बाइजेंटियम प्राचीन यूनानी साम्राज्य पूर्व राजधानी था, जिसे सम्राट किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम देकर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इटली में रेमेन्ना के मणिकुट्टिम चित्र तकनीक विकास बिंब व प्रतिमा संबंधी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से उल्लेखनीय था।
ठीक है, चलिए। तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है? गोया, रेम्ब्रा, डायम, कूर्बे, बताइए किसकी है। देखिए डेली जुड़ा करिए, हम टाइम फिर से एक बार बता देते हैं। सुबह होता है, सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है, और एक शाम को क्लास होती है जो कि अब 7 बजे से होती है। ठीक है, तो दोनों टाइम आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो तीन पेड़ किसकी है? ये है दायम की। किसकी है? दायम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फिर। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है, बताइए। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी, वेश्या, चित्रकार की पत्नी, सामंती औरत। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिया किसकी है, तो ये है माने की। और इसमें जो लेटी हुई स्त्री बताई गई है वो कौन है? ये है एक वेश्या है। ठीक है, चलिए फिर आता है पेरिस का निर्णय, इसके कलाकार कौन थे? रूबेंस, रेम्ब्रा, डेविड, कूर्बे, कौन थे बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रूबेंस। कौन थे? पेरिस का निर्णय किसका है? रूबेंस का है। ठीक है, चलिए फिर आता है किस कलाकार ने मैरिज एला मोड, क्या है, मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित किया? गेंसबरो, विलियम हॉगार्थ, फ्रेंकाइज बोकर, टाइपोलो। फटाक से करिए कमेंट, हम सब देख रहे हैं बेटा, सब देख रहे हैं, क्यों परेशान होते हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। आप लोग बस करते रहिए, आप लोगों की जो उपस्थिति है ना उससे थोड़ा सा मन हमारा वो हो जाता है, तो इस वजह से हम आप लोगों के कमेंट पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। फिर करिए कमेंट। तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर बी, विलियम होगार्थ। ठीक है, चलिए फिर आता है प्राइमावेरा क्या है? एक मूर्ति है, एक चित्र, एक उपन्यास, एक भवन। क्या है प्राइमावेरा, बताइए, करिए कमेंट। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये एक चित्र है। ठीक है, प्राइमावेरा। फिर आता है प्राइमावेरा को किसने बनाया था, ये लिखा है ऊपर, सैंड्रो वेत्तिचेली ने। ठीक है, चलिए फिर आता है रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है, बताइए। मिस्र की कला, जर्मन, ईसाई, यहूदी, क्या होता है करेक्ट आंसर? सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ईसाई कला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वसारी कौन थे? वास्तुकार, इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार, कौन थे? शाबाश, सही है। तो कौन थे ये? इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। चलिए नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? रैफेल, ड्यूरर, लियोनार्डो द विंसी, रेम्ब्रा, बताइए। लास्ट सपर किसका है, बन गया होगा ये लियोनार्डो द विंसी का है। चलिए अंतिम भोज किसने चित्रित किया था, बताइए। करिए करिए करिए, सभी को पता है, सिंपल सा है। तो किसने किया था? ये है लियोनार्डो द विंची। और एक बात और इसके बारे में, अंतिम भोज जो था ये लियोनार्डो द विंची जो थे, इनका ये फर्स्ट चित्र था। ठीक है, फर्स्ट था कौन? अंतिम भोज। ठीक है, चलिए फिर आता है बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंधित रखता है? ग्रीक, ग्रेको रोमन, जर्मन, ग्रेको इट्रंस्कन, जो भी लिखा है आप समझ लीजिए। तो ऐसे ऐसे नाम हैं कि लेते ही नहीं बनता, बताइए। मुक्केबाज किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है ग्रीक से। ठीक है, चलिए हर्मीज एवं डायोनिशस के मूर्तिकार कौन है? प्रेक्साइटेलिस, पॉलीक्लिट्स, लिसिपोश, फिडियास, कौन है बताइए। तो क्या है?
प्रेक्साइटेलिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए, करिए फटाक से कमेंट, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है कमेंट करिए, पहले कमेंट करिए, पहले कमेंट, क्लास कैसी है। चलिए फिर है, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है, पॉलीक्लीट्स, रूबेंस, रैफेल, मायरॉन। चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है बताइए आंसर क्या होता है, शाबाश, क्या होता है, मायरॉन, ठीक है। चलिए फिर आता है लाओकून क्या है, ऑयल पेंटिंग, जल रंग, मूर्ति, म्यूरल, क्या है आंसर, आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति, शाबाश। चलिए उपस्थिति अच्छी रखा करिए अपनी लोग, अपनी सभी लोग, ठीक है। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है, हेलिनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला, प्रारंभिक ईसाई कला। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे सॉल्व पेपर और जो थ्योरी वाली क्लास है वो सब कुछ यहीं मिलेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं डेली करवा रही हूँ, इतने ही प्रैक्टिस सेट कर कर अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया तो समझ लीजिए कि लगभग 100 क्वेश्चन तो आपको मेरी ही क्लास से सेम टू सेम मिल जाएंगे, लगभग 100। उसके आगे थ्योरी वाला पार्ट है अपना, तो उसके आगे थ्योरी वाले पार्ट से मिल जाएंगे, तो क्यों परेशान हो रहे हैं फालतू में। बस जितना हम करवा रहे हैं आप उसको करते जाइए। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी भी टाइम है, पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए, अभी लगभग 24 या 25 वीडियो हुई हैं, तो अगर आप फास्ट मोड में भी लगाकर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 या 6 दिन में, 8 से 10 दिन में मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर 8-10 दिन में ये सब पढ़ लिया आपने तो आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी बेस्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप केवल जो हम बता रहे हैं उतना करते जाइए। थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाली हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको कंप्लीट देख लीजिए, और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें देख लीजिए, और जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको देखते जाइए। बाकी जो अपने आप से पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ते ही जाइए, लेकिन जो हम करवा रहे हैं उसको साथ में पढ़ते जाइए। अगर आपने हमारा वाला छोड़ दिया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने कुछ नंबरों से पीछे हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो ही जाएंगे, हो सकते हैं। तो ये संभावना मत रखिए कि आपको पीछे होना पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसी संभावना ना बने, आपको तो बस ये चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताइए आंसर क्या है इसका, सिकंदर के समय की कला को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हेलिनिस्टिक कला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीनस ऑफ अरबाइनो किसका चित्र है, जियोर्जियन, पीटर पॉल, रूबेंस, पॉलीक्लीट्स, टीशियन, किसकी है बताइए कमेंट करके। शाबाश, किसकी है, ऑप्शन नंबर डी, टीशियन की। नेक्स्ट है ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी, हिब्रू। अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो उसमें भी यही क्वेश्चन था, तो देख रहे हैं कितने रिपीट भी हो रहे हैं साथ में, क्या है, हिब्रू। नेक्स्ट, मोनालिसा नामक चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है, डुर्व संग्रहालय, लूर्व संग्रहालय, ब्रेरा संग्रहालय, परेरा संग्रहालय, बताइए मोनालिसा कहाँ रखा गया है। पहली बात तो किसने बनाया है ये करिए कमेंट, आप पहले ये बताइए किसने बनाया है, करिए, देखते हैं किसको पता है। शाबाश, उपस्थिति थोड़ी और अच्छी कर लीजिए तो और मन हमारा खुश हो जाए। तो क्या होता है आंसर, ऑप्शन बी, लूर्व संग्रहालय। चलिए प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था, इटली, जर्मनी, फ्रांस, मिस्र, बताइए ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था, क्या होता है, इटली, कहाँ पर, इटली में हुआ था, ठीक है। चलिए
सिस्टाइन चैपल की छत किससे चित्रित है? माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेद और रस्किन, किससे है बताइए। तो पहले पढ़ चुके हैं हम माइकल एंजिलो से, ठीक है। चलिए फिर आता है पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? फिडिनाज, माइकल एंजिलो, ड्यूरर, मायरॉन, कौन है? क्या होता है इसका आंसर? हो जाता है माइकल एंजिलो, ठीक है। चलिए ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? हेलेनिस्टिक, रोम के मोजैक, यूनान, मिनोअन, क्या है ब्लैक फिगर तकनीक? क्या होता है? ऑप्शन सी, यूनान में, ठीक है। चलिए पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? लास मैनिनाज, पीजेंट डॉन्स, सिंडिक्स ऑफ क्लॉथ गिल्ड, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, बताइए कौन सा चित्र है पीटर पॉल रूबेंस का? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? क्या है? वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? कॉन्स्टेबल, विलियम होगार्थ, टिशियन, जियोर्जियो, बताइए क्या है आंसर करेक्ट, क्या होता है? तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टिशियन, क्या होता है? टिशियन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुलाबी तथा नीला काला किस चित्रकार ने चित्रित किए हैं? बताइए, हुसैन, पिकासो, गोया, मोने, करिए कमेंट। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी, पिकासो। चलिए नेक्स्ट आता है, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, क्या है रथवाहक कब बनाई गई बताइए? आंसर सही होता है 470 ईसा पूर्व। चलिए मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? सीरिया, असीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, बताइए क्या होता है आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, असीरिया, ठीक है। चलिए लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन हैं? सल्वाडोर हाली, मार्क रोथको, हेनरी गातेस, पिकासो, बताइए आंसर क्या है? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? आंसर क्या होता है? सल्वाडोर हाली। चलिए नेक्स्ट, प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि गुफाओं पर, महलों पर, क्या होता है करेक्ट बताइए? ईसाई काल के चित्र कहाँ पर बने थे सबसे पहले? तो समाधि गुफाओं पर, कहाँ पर? समाधि गुफाओं पर, ठीक है। चलिए फिर आता है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का, अरे भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोथिक, रोमनस्क, रोमन, यूनान, क्या होता है? तो किस में हुआ था? गोथिक में, ठीक है। चलिए फ्रेंको कैंटब्रियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से, किससे? आंसर सही हो जाता है प्रागैतिहासिक कला से, ठीक है। चलिए मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रंग, संगमरमर, लकड़ी, सीमेंट, किसका? मणिकुट्टम पद्धति में
बताइए। आंसर करेक्ट होता है संगमरमर का। किसका? संगमरमर। चलिए, प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार का नाम क्या है? पीटर द हुक, फ्रांस हॉल्स, रैम्ब्रा, जॉन वर्मियर, बताइए। हाँ, आज हमने सुबह जो 8 बजे क्लास हुई थी उसमें हमने अमृता शेरगिल करवाया है और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करवाया गया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। और जहाँ से पेपर बनता है, जहाँ से मतलब क्वेश्चन छपते हैं पेपर में, बिल्कुल सेम वो चीज़ मैंने करवाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो सुबह वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए आंसर, नाइट वॉचमैन के चित्रकार कौन है? कौन है? रैम्ब्रा। चलिए, मार्शल डुशैम्प की द पैसेज फॉर्म विजन टू ब्राइट संग्रहालय में संग्रहित है, बताइए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, एम ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, बताइए क्या होता है आंसर, क्या होता है? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होता है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? रैफेल, बोटिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बताइए। क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर ए, रैफेल। क्या होता है? रैफेल होता है, ठीक है। चलिए, फिर आता है चित्र लक्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? रैफेल, कैरेजियो, बोटिचेल्ली और सिग्नोरेली, क्या है? लक्स ऑफ जुपिटर। क्या है? कैरेजियो। तो क्या हो जाता है आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली, दृश्य चित्र, क्या होता है बताइए? मोनालिसा में क्या दर्शाया गया है? तो क्या इसमें? दृश्य चित्र दर्शाया गया है। चलिए, फिर आता है सेक्रेड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया है? सेक्रेड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया है? बोटिचेल्ली, टिशिया, टिंटारेटो, लियोनार्डो दा विंची ने, बताइए क्या है? बताइए क्या है? तो ये टिशिया ने, ठीक है। चलिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, जियोवनी, बताइए मूर्तिकार कौन था? तो ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो जो है वो कौन था? वो मूर्तिकार भी था, ठीक है। चलिए, बाइजेंटाइन कला में छतों एवं दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता है? मणिकुट्टिम, वॉश, फ्रेस्को ब्योनो, फ्रेस्को शेको, क्या है? क्या होता है करेक्ट आंसर? सो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन ए, मणिकुट्टिम, ठीक है। किसमें? बाइजेंटाइन कला में। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। रैफेल, कोरेजियो, एंड्रिया डेल सार्लो, माइकल एंजेलो। तो मूर्तिकार कौन थे बताइए? पढ़ चुके हैं अभी अभी, तो माइकल एंजेलो। चलिए, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए जो तो फा एंजेलिको, पोतिचेली, रैफेल। कमेंट करिए भाई, पता नहीं सो जाते हैं आप लोग, बहुत से लोग कमेंट करते हैं और उपस्थिति तो कभी रह ही नहीं सकती। अगर उपस्थिति आ जाए तो भाई हम बोलेंगे कैसे? बोलने का मौका चाहिए आपको तो बस, है ना, कि मैम बोलती बस रहे।
ऐसे ही करना है परेशान हमको। क्या होगा आंसर बताइए? कल की उपस्थिति सच में लास्ट में हमें बहुत अच्छी लगी थी। कल इतने अच्छे से सभी लोग उपस्थित थे, जितने उपस्थित थे सभी के आंसर करेक्ट आ रहे थे। बीच में एक दो आंसर गलत हो जाते थे, वो बात चलती है, लेकिन कल जो उपस्थिति थी सच में बहुत अच्छी लगी हमें लास्ट में। बताइए आंसर क्या होता है इसका? ऑप्शन डी, क्या है? रैफेल। चलिए, द वर्जन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची, रैफेल, फ्रा एंजेलिको, क्या है? द वर्जन ऑफ द रॉक्स। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंची। चलिए, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मॉलिंस, जेरार्ड डेविड, एंजर्स, बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? सो राइट आंसर इज एंजर्स, क्या है? ऑप्शन डी। चलिए, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं गोथिक कला से, बाइजेंटाइन कला से, यूनानी कला से, मिश्र की कला से, क्या है? रंगीन कांच की खिड़कियां, तो ऑप्शन इज ए, ठीक है? तो क्या है? गोथिक कला से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? लियोनार्डो द विंची, टर्नर, ड्यूरर, रैफेल। फास्ट करिए, फास्ट फास्ट फास्ट, बिल्कुल फास्ट, और सभी लोग करिए। शाबाश शाबाश। चलिए, तो क्या है? ऑप्शन डी, रैफेल। चलिए, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार पढ़ाया है, समझे? चलिए, अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, बताइए। तो क्या होता है? ऑप्शन सी, इटली। हमें लगता है लड़कियां ज्यादा ही पढ़ने में होशियार हैं, है ना? लड़कों की उपस्थिति बहुत कम होती है, क्या बात है? केवल लड़कियों को ही टीचर बनना है क्या? चलिए बताइए, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो, जारिया रोज, लियोनार्डो द विंची, रैफेल, बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? तो आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, रैफेल, ठीक है? चलिए, फ्रेस्को सेस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज, कैनवास, क्या होता है करेक्ट बताइए? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क भित्ति, ठीक है? चलिए, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में और वेनिस में, बताइए। सो क्या होता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस में, ठीक है? चलिए, सिस्टाइन मेडोना को किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो, बोटिशेली और बोटिशेली लिखा है ये, ठीक है? राफेल, मैसिचियो, क्या है? तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्या है? राफेल, समझ गए? चलिए चलते हैं आगे। ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया है? राफेल, माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो द विंची, ठीक है? बताइए ट्रांसफिग्रेशन। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, राफेल। चलिए, शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शास्त्रीय मूर्तिशिल्प, गोथिक काष्ठकार्य, स्टेंड ग्लास चित्रकला, इटालियन चित्रकला, बताइए क्या होता है करेक्ट? करिए फास्ट। तो आंसर क्या होता है करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, इटालियन चित्रकला, ठीक है? चलिए,
फिर आता है मोजाइक कला किससे संबंधित है, बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से, शास्त्रीय कला से। मोजाइक कला किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए बाइजेंटाइन कला से। ठीक है, चलिए फिर आता है आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था, ज्योतो, बारदे, टिशियन, लियोनार्डो दा विंची, बताइए। तो ये किससे संबंधित है, ये ज्योतो से। ठीक है, फिर चलते हैं द पोटैटो ईयर किसका चित्र है, विंसेंट वॉन गॉग का, पॉल गोगा, कैमिल पिशारो, क्लाइड मोने, बताइए। द पोटैटो ईयर, पोटैटो माने क्या होता है, आलू होता है, टमाटर होता है, भिंडी होती है, आलू गोभी क्या होता है बताइए। क्या होता है करिए कमेंट, क्या होता है पोटैटो। बहुत जब हम लोग छोटे थे ना, तो पता है पोटैटो और टोमेटो, इसमें इतना कन्फ्यूजन होता था, इतना कन्फ्यूजन होता था कि हम लोग रटते थे कि यार पोटैटो ऐसा होता है, टोमेटो ऐसा होता है। तो बताइए क्या होता है पोटैटो, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, हम देखें थोड़ी सी आपकी इंग्लिश। हाँ, तो क्या होता है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए विंसेंट वॉन गॉग का। चलिए नेक्स्ट, अच्छा पता है सभी को, शाबाश। फिर आता है निम्न चित्रकारों में से कौन नव प्रभाववाद से संबंधित हैं, पॉल सेजा, पॉल सिग्नक, पॉल क्ली, पाब्लो पिकासो, तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी पॉल सिग्नक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लियोनार्डो का जन्म कब हुआ था, 1457, 1452, 1460, 1552, क्या होता है इनका जन्म कब हुआ था, तो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी 1452 में। ठीक है, कहाँ पर, इटली में। फिर आता है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, क्लाइड मोने, एडवर्ड माने, डेगास, बैकमन, क्या है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड माने। ठीक है, चलिए अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1510 ईस्वी में, 1471 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1478 में, कब हुआ था ड्यूरर का जन्म बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी 1471 ईस्वी में। ठीक है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, कहाँ पर हुआ था भविष्यवाद का उद्भव, तो इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए इटली में बारोक कला पनपी थी कब, 16वीं सदी में, 20वीं, 19वीं, 18वीं सदी, बताइए आंसर क्या होता है। बस 25 क्वेश्चन और बचे हैं, बताइए, स्लो नहीं होना है, क्या होता है, ऑप्शन ए 16वीं सदी में। ठीक है, चलिए बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है, रूबेंस, कैराबेजियो, रैम्ब्रा, बोट्टिशाली, क्या है, क्या है आंसर, करिए 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 भाई। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी कैराबेजियो। ठीक है, चलिए रैम्ब्रा किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, कलाकार हैं, अजंता, रोकोको, गोथिक, बारोक, रैम्ब्रा किसके हैं बताइए, रैम्ब्रा हैं ऑप्शन डी बारोक के। ठीक है, चलिए बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, सूर्य का, पीले फूल का, आग का, स्वर्ग का, बताइए पीला रंग किसका प्रतीक है, क्या होता है करेक्ट आंसर, तो आंसर करेक्ट होता है ये स्वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है, द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, द हेड ऑफ वारका, द डांसिन गर्ल, क्या है मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य, क्या है आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। ठीक है, चलिए स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई, स्टैंड ग्लास विधा, रोमनस्क, बाइजेंटाइन, गोथिक, आधुनिक युग, बताइए कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी,
चलिए ठीक है, कभी थी, ऑप्शन नंबर सी गोथिक युग में, ठीक है। चलिए आप लोग तो वैसे भी होशियार हैं, आप लोगों को क्या ही कहें, इसका कूट बताना है। देखिए ये पीजीटी 2003 में आया था, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, बताइए, आप ही लोग करेंगे इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर ये भी नहीं कर पाए ना तो बिल्कुल अब क्या ही बताएं। ऑप्शन देखिए कितने सड़े से ऑप्शन दिए हैं। देखिए हमें कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है, मोनालिसा किसने लिखी है, तो लियोनार्डो दा विंची ने। तो मतलब जो दूसरे का पहला होगा, मतलब जो बा का पहला होगा, मतलब यही बस है ऑप्शन में, बाकी इसमें नहीं है ना इसमें है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बताइए। बिल्कुल सिंपल से था, उसमें भी आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। तो कैसे मिलाना है, दूसरे का पहले से मिल गया, अब दूसरे में केवल यही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मिला लीजिए बाकी का, माइकल एंजेलो से किससे संबंधित हैं, एडम की उत्पत्ति से, ठीक है। फिर ये हमने मिला ही लिया, फिर आता है रैफेल, रैफेल किससे संबंधित है, तो सन सिस्टो की मैडोना से। फिर रैम्ब्रा आ जाता है, तो ये चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी से। बस सिंपल सा है, लेकिन पता नहीं कितना वही में कुचर 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 करते रहते हैं बस। क्या है अब इसका बताइए आंसर। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, क्या होगा बताइए बताइए। चलिए बुरा मत माना करिए, वो पता नहीं कैसे हम चिल्ला देते हैं फालतू में बीच में, ये भी पीजीटी 2003 में पूछा गया। तो क्या होता है आंसर बताइए, ऑप्शन बी असत्य पूछा है, बाकी सब क्या है, असत्य है। पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र थी, सही बात है। फिर है पुनरुत्थान कालीन कलाकारों के चित्रों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग एक नूतन विचार था, ये भी सही है। फिर है डी नंबर, तो डी नंबर क्या है, पुनरुत्थान कालीन रचनाओं में छाया प्रकाश के माध्यम से अधिक चाक्षुष निरूपण किया गया था, तो ये सभी सही है, लेकिन जो बी नंबर दिया है ये गलत है, समझ गए। चले आगे बताइए, चलिए फिर आता है गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन कौन से थे, बताइए। लीजिए कर दिया बड़ा सा, पीजीटी 2003 में ये भी पूछा गया है भाई साहब, पूछा गया है। बताइए आंसर क्या होता है। एक तो इतनी अच्छी मैम है आपकी, इतने अच्छे से पढ़ाती हैं और आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पता नहीं एक आता है दूसरा गायब हो जाता है, क्या कर रहे हैं आप लोग, सब लोगों ने प्लानिंग बना रखी है क्या, कि एक काम करो पहले तुम पहुंच जाओ, तुम थोड़ी देर रुकना फिर मैं आ जाऊंगा, फिर तुम चले जाना, ऐसा है क्या कुछ, आप लोग प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं क्या। चलिए आंसर बताइए क्या है, पढ़ते हैं। तो आंसर सही होता है हमारा, कारक पूछा है, ठीक है, तो ये है कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है, ग्रीक, मिस्र, असीरिया, चीन, क्या है करेक्ट आंसर, करिए कमेंट फास्ट 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 फास्ट। हाँ शाबाश, तो क्या है, ग्रीक। चलिए फिर आता है पार्थेनन स्थित है, लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, उरूक, क्या है, उपस्थिति बनाए रखा करिए, ठीक है। चलिए तो कहाँ पर है ये, ऑप्शन बी एथेंस में, ठीक है। चलिए गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है, चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार, वास्तुशिल्प, बताइए क्या है सही, ऑप्शन नंबर सी भित्ति चित्रकार, ठीक है। चलिए फिर आता है पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, कहाँ पर, बताइए। तो क्या होता है, ऑप्शन ए इटली। चलिए फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है, बरोक, नव क्लासिक, पुनर्जागरण, पूर्व रेफलाइट,
बताइए क्या होता है। होशियार हो गए, होशियार हो गए भाई, बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा होशियार हो गए। तो क्या है? पुनर्जागरण से। ठीक है, चलिए। ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया? ब्रॉक, शेगाल, फ्रेंच मार्क, सेजो, क्या है? चलिए बताइए आंसर। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच मार्क। शाबाश। चलिए, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? उत्पन्न शब्द है भित्ति चित्र, जिसे हम म्यूरल बोलते हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी से। ठीक है, चलिए। लियोनार्डो द विंची ने भित्ति चित्र द लास्ट सफर किस वर्ष में सृजित किया? 1410, 1440, 1497, 1515 में। बताइए कब हुआ था? क्या होता है सही? ऑप्शन नंबर सी, 1497। ठीक है, चलिए। फिर आता है पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता, मूर्ति पूजा, एब्स्ट्रैक्शनिज्म, प्रभाववाद। बताइए पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? करेक्ट होता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानवीयता पर। ठीक है, चलिए। अरे ये कहाँ पहुँच गए? कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? कहाँ तक हो गया था? किस पर आधारित थी? ये पढ़ लिया था हमने, ऑप्शन ए, मानवीयता। ठीक है, ये है बात है। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बस की नहीं है। मुझसे बेहतर सोचने की जो सोचने का जो अधिकार है मेरे बस की नहीं है, किसने कहा था? गोया, कोरो, कोटे, पिकासो। बताइए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, गोया ने कहा था। ठीक है, चलिए। बालजाक पत्र किसके द्वारा निर्मित है? माइकल एंजिलो, रॉडिन, ब्रांकुसी, बर्नीनी। बताइए क्या होता है सही? ऑप्शन नंबर डी, बर्नीनी। ठीक है, चलिए। फिर आता है रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? मास, रेखा, स्पेस, प्रकाश एवं छाया, क्या है? बताइए। तो क्या होता है? ऑप्शन डी, प्रकाश एवं छाया। ठीक है, चलिए, चले बढ़े। हाँ हाँ, लियोनार्डो द विंची के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल से याद कर लीजिए। तो क्या है आंसर? वेरोचियो, आंद्रमान तेगना, फर्नांडो रोजेलिनो, सांद्रो बाटिचेली। बताइए। हाँ 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 हाँ, शाबाश। क्या होता है? ऑप्शन ए, वेरोचियो। ठीक है, चलिए। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 15 फुट, 18 फुट, 10 फुट, 22 फुट। सबसे पहली बात तो डेविड किसकी है? माइकल एंजेलो की। डेविड है क्या? मूर्ति है। कितने फुट की है? करिए पटाख से कमेंट। चलिए, क्या है आंसर? ऑप्शन ए, 15 फुट। चलिए, होशियार है। चलिए, हाँ, फिर माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां यहाँ हैं, कहाँ पर हैं? सेंट पीटर्स गिरजा में, सेंट मैथ्यू गिरजा में, सिस्टाइन गिरजा में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इतने मतलब लास्ट में ना गला सूखने लगता है, मुंह से कुछ निकलता नहीं है, फिर बस वही स्थिति आ गई है। बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन ए, क्या है? सेंट पीटर्स गिरजा में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट फिर आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइकल एंजेलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापति था? बताइए, सिस्टाइन गिरजाघर, सेंट मैथ्यू गिरजाघर, और सेंट पीटर्स गिरजा, बार्थोलोम्यू गिरजा। बताइए, तो किसका था ये? ये ऑप्शन ए, सिस्टाइन गिरजाघर का। ठीक है, तो चित्रकला को कम महत्व देने के बावजूद माइकल एंजेलो ने रोम के सिस्टाइन चैपल की छत पर पश्चिमी कला के इतिहास की सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्र का निर्माण किया। इन्हें सिस्टाइन चैपल का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, चलिए।
लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी, ठीक है? हाँ, जिससे भी गलत हुआ 10 रुपए की चॉकलेट छोड़ के जाना मेरे लिए, ठीक है? बताइए आंसर क्या होता है। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हेड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, वैसिपियन। बिल्कुल भी थकान नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, करिए कमेंट फटाक से, क्या होता है आंसर? चलिए, आंसर सी, जस्टिनियन होता है। क्या होता है करेक्ट आंसर? जस्टिनियन होता है, ठीक है? तो चलिए, आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए, इस चैप्टर में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? लगभग 1200 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो हमें 1200 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं केवल एक चैप्टर के, इसलिए हम डेली 100 क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है? नहीं तो हम 50 या 60 क्वेश्चन में ही कंप्लीट करवा देते, लेकिन अब जब क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है तो हमें 100 क्वेश्चन लेने पड़ रहे हैं, ठीक है? ये बताइए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, बताइए। आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बताइए, थोड़ा कमेंट करिए। आ रही है? अच्छा, चलिए, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? भूल गए हम, तो क्या कह रहे थे? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ये बोल रहे थे। चलिए, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए अब, ठीक है? हमने जल्दी से ख़त्म कर दी है। अब आपको 8, 9, 11, 12, 1, 2 जितने बजे तक जगना है, जितने बजे तक आपको आराम करना है, खूब आराम करिए, आराम फरमाइए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे। चलिए, बाय।